हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। युवक शहर और देहात कांग्रेस का संयुक्त युवा शक्ति युवा बेरोजगार सम्मेलन का आयोजन मंगलवार को रातानाड़ा स्थित महेश्वरी जनोपयोगी भवन में किया गया। बता दें कि दो दिन पूर्व अमित शाह की जोधपुर यात्रा के दौरान भी भाजपा की ओर से युवा और शक्ति सम्मेलनों का आयोजन पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में हुआ था। शहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष हरीश जोशी और देहात युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रम सिंह इंदा ने बताया कि मंगलवार को शहर युवा कांग्रेस और देहात युवा कांग्रेस का संयुक्त महासम्मेलन का आयोजन रखा गया। इसमें युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीनिवासन, प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चांदना, डॉक्टर पलक वर्मा, नगर निगम में प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र सिंह सोलंकी, माली समाज के पूर्व अध्यक्ष सुनील परिहार बतौर अतिथि उपस्थित थे। सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही युवा कांग्रेस के ब्रोशर का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर संभागीय प्रवक्ता अजय त्रिवेदी ने युवाओं को रोजगार के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार आंकड़ों के मायाजाल में फंसा रही है। यदि बेरोजगार एकीकृत हो गए तो सरकार के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।